अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आज के अपने इस वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि जब भी वो अपने किसी दोस्त को व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो वहाँ पर मैसेज सेंड नहीं होता और यहाँ पर एक क्लॉक का साइन आ जाता है। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह इसे ईजिली फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपने इस वीडियो को। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप अपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करें और यहाँ पर आप सर्च करें व्हाट्सएप। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आपके व्हाट्सएप का नया वर्जन होगा आप उसमें से अपडेट कर लें। अगर आपके पास कोई भी अपडेट नहीं आई तो इसके बाद भी फिर आपका एरर फिक्स नहीं होता तो आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन का जो डाटा है या फिर वाईफाई कनेक्शन है इसे डिसेबल कर दें, या फिर आप लोग यहाँ से फ्लाइट मोड को इनेबल करें और उसके बाद दोबारा यहाँ से इसे डिसेबल कर दें और उसके बाद एक बार आप अपने मोबाइल फ़ोन को रिस्टार्ट कर लें। दोस्तों, इस तरह 70-80% चांस होंगे कि आपका जो भी एरर है ये फिक्स हो जाएगा। अगर फिर भी आपका एरर फिक्स नहीं होता तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपकी एप्लीकेशन है इसमें कोई बग आ रहा है। तो चलिए बताता हूँ कि आप इसे किस तरह फिक्स कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाएँ और यहाँ से ऐप्स को ओपन करें। अभी आप लोग यहां से व्हाट्सएप को सर्च कर लें। यहां पर ये व्हाट्सएप है। अभी आप लोग यहां से यहां पर आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ है परमिशंस। आपने यहां से गौर से देखना है कि जो भी यहां पर ऑप्शन है ये सारे इनेबल होने चाहिए। अगर आपका कोई भी यहां से जो ऑप्शन है वो डिसेबल हुआ तो इससे आपका एरर फिक्स नहीं होगा। आपने सभी को यहाँ से इनेबल करना है। इसके बाद यहाँ से स्टोरेज पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से क्लियर कैशे पर क्लिक कर दें। इसके बाद आप लोग दोबारा अपने व्हाट्सएप पर ट्राई करें। अगर फिर भी आपका एरर फिक्स ना हो तो इसके लिए आप लोग अपने व्हाट्सएप पर चले आएँ और यहाँ ऊपर तीन डॉट्स नज़र आ रही हैं यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से सेटिंग्स पर आ जाएं। इसके बाद यहाँ से चैट्स पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ से चैट बैकअप पर क्लिक करें और यहाँ से आप लोग अपने व्हाट्सएप के जो भी चैट्स हैं इनका अपने गूगल अकाउंट पर बैकअप कर लें। उसके बाद आप लोग अपने व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करें और उसके बाद दोबारा इसे रीइंस्टॉल करके अपना नंबर इसमें एंटर कर दें। तो दोस्तों, इस तरह आपका एरर फिक्स हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अब आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।